शल्क प्लस का ऑक्टेनिसान, ये एक बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश लोशन है, एज एन एंटी बैक्टीरियल ये भी काम करता है। लेकिन इसकी ख़ास बात बता दूं तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। आप देखोगे ये जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है, मुझे नहीं पता है जर्मनी से क्यों इंपोर्ट किया हुआ है, बट एनीवे मैं इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना आप यहाँ पे देख रहे हो डीकंटामिनेशन वॉश लोशन, इन्होंने इसको दूसरे लैंग्वेज में भी सेम चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी है। आपने सुना होगा स्पंच बाथ देते हैं हम बेबी को, स्पंच बाथ बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि पानी के अंदर एक कटोरे के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ तो भी एक लिक्विड डालते हैं और फिर उसमें गीला कपड़ा उसमें भिगो कर फिर बेबी के पूरे बॉडी पर हम उसको अच्छे से फिराते हैं, तो उसको स्पंच बाथ बोलते हैं। तो ये एक्चुअली स्पंच बाथ के लिए ये काम आता है ऑक्टेनिसान। तो आप देख सकते हो डीकंटामिनेशन लिखा हुआ है इस पर, मतलब डीकंटामिनेट करता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को सबको हटा देता है। हमेशा मैं आपको ये बोलता रहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो या प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आप आपने उसके ऊपरी साइड पर ना देखते हुए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉपी होती है, ये तो इन्होंने इतना ज़्यादा तो किया नहीं है, लेकिन आपने हमेशा इंग्रेडिएंट वाले लिस्ट में देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंग्रेडिएंट, तो इंग्रेडिएंट में इसने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, एक्वा, एक्वा पानी को एक्वा बोलते हैं, और ये आप जो देख रहे हो कोकामिडा प्रोपिल प्रोपिलामाइन ऑक्साइड, यही ये और ये कोकामिडा प्रोपिल बीटेन, ये जो इसमें दो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। बाकी तो सर्फेक्टेंट्स और दूसरे प्रिजर्वेटिव बोल के यूज़ हुए हैं, लेकिन ये जो दो आप जो देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये करता क्या है। ये जो कोकामिडा प्रोपिल अमाइन ऑक्साइड आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली क्या करता है कि आपके अपने जो स्किन पर जो डर्ट और ऑयल जमा होता है उसको ईज़ करता है, मतलब उसको निकालता है। तो बेसिकली ये दोनों जो इसमें इंग्रेडिएंट है दोनों का काम सेम ही है, डर्ट ऑयल और जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको निकालता है बॉडी से, तो जिसकी वजह से इसको डीकंटामिनेशन का नाम दिया गया है। ये एक्चुअली देखा जाए तो केमिकल्स है, हार्ड केमिकल्स है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको डायरेक्टली हम स्किन पर नहीं लगा रहे, इसकी वजह से ये सेफ़ टू यूज़ है बहुत अच्छे से। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने डायरेक्टली बच्चे के फेस पर मत लगाना ये, या फिर अगर आपको खुद का भी आप बॉडी वॉश कर रहे हो तो डायरेक्टली स्किन पर मत लगाना। आपको इसको पानी के अंदर एक बाउल में पानी लेना है और उसके अंदर फिर दो तीन ड्रॉप्स डालकर फिर उसमें आपको स्पंज बाथ लेना है, ओके। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसकी कीमत मैं अगर आपको बता दूँ तो ये 330 रुपीज़ का है, 150 ml। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। अब आप देख सकते हो जर्मनी से इंपोर्ट हुआ, जर्मनी पहले ही फैक्ट्रीज वगैरह कम रहते हैं वहाँ पर और वहाँ से उन्होंने इंपोर्ट किया, मतलब वहाँ से हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम ये ऐसा सोचते हैं कि जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट बाहर बना है, मतलब यूरोप और यूके या अमेरिका में बना है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास रूल्स और रेगुलेशंस जो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, किसी चीज़ को बनाने को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि कुछ दो तीन सर्टिफिकेट्स ले लिया और कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया तो काम चल जाता है, कोई ज़्यादा देखता नहीं है। लेकिन यूरोप यूके में आप देखोगे, USFDA के बारे में भी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके रूल्स रहते हैं, वो सब में पास करके ही जाके आपको आपका प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो जिसकी वजह से क्वालिटी बहुत बेस्ट मिलती है। तो आप इसकी पे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जर्मनी से इंपोर्ट हुआ है तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितना ज़्यादा बेस्ट है ये। इसमें इंग्रेडिएंट वगैरह भी देख दिखा के इसमें यूज़ किया है। एक्चुअल में ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पंज बाथ अगर आपको लेना है तो, लेकिन बच्चों के लिए ये मैंने बच्चे के लिए लिया है, बेबी इसमें लिया है। एक्चुअली ये मेरे को हॉस्पिटल में भी मिला है, मुंबई में कोकिलाबेन जो हॉस्पिटल है उसमें भी, मतलब वहाँ से मेरे को मिला है। बाकी कंटेनर वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी यूज़ की है, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे को इंग्रेडिएंट से लेना देना है। ये था इसका रिव्यू, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार वहाँ पर ऑफर वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी महंगी चीज़ है, 350 रुपीज़ में मिलता है, तो अगर आप कॉम्बो पैक वगैरह भी लेते हैं तो आपको सस्ता मिल सकता है, तो एक बार लिंक देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।